ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, शिव पुराण के आज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वित्तेश्वर संहिता चल रही है, दूसरा अध्याय खत्म हुआ है और आज हम पाठ आगे करने जा रहे हैं जो कि है साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाई। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वैद्य सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टिकर्म प्रारंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, अब संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है और तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है। मेरे गुरु को वहां देखा, वे ध्यान में मग्न थे। उनसे जागने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सब वस्तु का चिंतन करो, यह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पढ़कर घूमता घामता मद्राचल पर जा पहुँचा और वहाँ तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहाँ आई। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वो सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।